जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर में दो दिवसीय 30वां वार्षिक संत मत सत्संग के अधिवेशन को लेकर किया गया भूमि पूजन व ध्वजारोहण। खबर बिहार के सुपौल जिले की है, जहां छातापुर के नरहैया वार्ड संख्या 9 में आगामी 6 नवंबर से आयोजित होने वाली दो दिवसीय सुपौल जिला 30वां वार्षिक संत मत सत्संग के अधिवेशन को लेकर भूमि पूजन व ध्वजारोहण कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। स्वामी कल्याण जी महाराज के सानिध्य में यह ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सुपौल संत मत सत्संग समिति के मंत्री प्रोफेसर नागेश्वर विराजी, उपमंत्री शंभु प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष राधोपुर निवासी विमल कुमार, प्रसार मंत्री प्रकाश मेहता, समिति सदस्य वासुदेव यादव, मीरजवा संत मत आश्रम के स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, कल्याण बाबा, माणिक बाबा, रघुनंदन बाबा, धनंजय बैरागी, सियाराम ब्रह्मचारी, सुभक बाबा आदि समेत बड़ी संख्या में संत मत के अनुयायी भाग लेने पहुंचे। ध्वजारोहण के दौरान अनुयायियों द्वारा सदगुरु महाराज के लगाए जा रहे जयकारे से क्षेत्रीय माहौल भक्तिमय बना रहा। ध्वजारोहण के पुनित मौके पर श्रद्धालु भक्तों व अनुयायियों को संबोधित करते हुए संत मत सत्संग समिति के मंत्री प्रोफेसर नागेश्वर विराज ने कहा कि सुपौल जिला संत मत सत्संग का 30वां वार्षिक अधिवेशन छातापुर सदर पंचायत के नरहैया में 6 नवंबर 2022 से होने जा रहा है, जिसमें 6 नवंबर रविवार तथा 7 नवंबर सोमवार तक दो दिवसीय सत्संग प्रवचन कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस श्री महाराज, स्वामी दिशानंद बाबा सहित अन्य संत महात्माओं का आगमन होना है, जिसमें उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक संख्या में इस धार्मिक कार्य में भाग लेकर अधिवेशन को सफल बनाने की बात कही। मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर भगत, अमित कुमार, बहर खैर, अरविंद यादव, महेंद्र यादव, राजा भगत, संजय कुमार भगत, श्रीकांत यादव, सुरेश यादव, अभिनंदन यादव, नारायण यादव, विपिन यादव, पवन यादव, गजेंद्र यादव, इंदल यादव, अशोक यादव, अर्जुन यादव आदि समेत बड़ी संख्या में स्थानीय समाज के लोग उपस्थित थे। अधिवेशन है, स्थान आपका तिलाठी नरहैया है। कितना वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 9 है जी, 9 है। अच्छा, इसमें क्या कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ व्यवस्था है कि 6 एवं 7 नवंबर को तिथि निर्धारित है, यहाँ पर जिला अधिवेशन होगा और इसमें प्रवक्ता होंगे आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज, और उनके साथ बहुत से बाबा आएंगे जो आप पोस्टर में भी देखिएगा, सभी बाबा का यहाँ प्रवचन पदार्पण होगा। और जिला के कोने कोने से, बगल में नेपाल से, अररिया से, मधेपुरा से, सहरसा से भी लोग आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो वे लोग भी आएंगे, काफ़ी संख्या में यहाँ सत्संग आएंगे। आज इसी क्षेत्र के लोग तो रहेंगे ही, छतापुर इस मामले में बड़ा उर्वरा है, छतापुर में बराबर सत्संग हुआ है, एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। मैं सबसे पहली बार 80 ईस्वी में गुरु महाराज आए थे भगत जी के बगीचा में, तब मैं वहाँ था, नीचे में सोया था, मैं किसी के यहाँ मेहमान ही नहीं गया था। तो आपके क्षेत्र में, और संजय जी तो बहुत बच्चे थे उस समय में, संजय जी बहुत बच्चे थे, तो यहाँ अब आप लोगों का सहयोग चाहिए। बताइए और क्या कहना चाहेंगे? नहीं और क्या नहीं, इसमें आप लोगों का सबको सहयोग चाहिए। लोग जहाँ भी आवे आप लोग जरा कहिएगा, टेम्पो वाले क्या करते हैं सत्संग के समय में भाड़ा किराया रात में बढ़ा देते हैं, गाँव की बदनामी हो जाती है क्षेत्र की। तो आप लोग जरा सबसे कह दीजिएगा, देखो भाई इज्जत की बात है, टेम्पो हो, रिक्शा हो, जो भी हो, जैसे भी सहयोग करना पड़े, मगर वाजिब से कम लेना यार, ज़्यादा नहीं लेना। और सड़क पेड़ा जो उबड़ खावड़ है, इसका कम से कम मिट्टी से भी लेवलिंग हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और आप लोग भी कहिएगा कि इलाका को सत्संग से एक रोज पहले पूरा झकास कर देगा, सड़क पेड़ा को साफ सुथरा झकास रहेगा तो बाहर से जो लोग आएंगे कहेंगे इलाका बड़ा फिट है, और नहीं तो उस रोज देखेगा गड़बड़ देखेगा, इलाका ठीक ठाक नहीं है। तो और गाँव का देश भारत देश है, इसलिए गाँव में ही हम लोग कोशिश करते हैं सत्संग हो। शहर में तो मान लीजिए बराबर कुछ ना कुछ हुआ करता है, गाँव के लोगों में जागृति तब आएगी जब संत महात्मा आएंगे, उनकी
उनके ज्ञान से ज्ञानवर्धन होगा, तब लोग अपने और अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। इसीलिए कोशिश रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सत्संग हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी कराते, ऐसा नहीं शहरी को छोड़ देते हैं। जी, आज 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 ध्वजारोहण हुआ, इसको भूमि पूजा, अच्छा भूमि पूजा, कोई भी जग जाजन होता है तो सनातन धर्म है कि हम लोग भूमि पूजन करते हैं, उस जग पर मेरा इस धरती पर जग बढ़िया से सफल हो जाए। और ध्वजा गाड़ते हैं या निशानी है कि इसका पूजन हुआ है और यहाँ कुछ होने वाला है, तो लोग पता करते रहते हैं। और हनुमान जी जो संकट मोचन हैं, भगवान राम के सेवक हैं, वो सबसे पहले विराजमान हो जाते हैं। और जब सत्संग समाप्त होगा, सबके जाने के बाद आप भी अपने आप प्रस्थान, कोई विदाई उदाई नहीं लेते हैं, सब विदाई लेते हैं, लेकिन हनुमान जी विदाई। कई दिवसीय है? दो दिवसीय। कब कब? 6 और 7 नवंबर 2022। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।